हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ फुट स्ट्रेंथनिंग और एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। जब आप किसी लॉन्ग रन पे जाते हैं या फिर जब आप बहुत फास्ट रन करते हैं तो आपको पैर में और एंकल में दर्द महसूस होता है। मुझे स्पेशली ये दर्द तब महसूस होता है जब मैं 50 किलोमीटर से लंबा रन करती हूँ। 50 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुझे अपने पैर में इस हिस्से पर दर्द महसूस होता है, एंकल में भी दर्द महसूस होता है, इवन पैर के तले में दर्द महसूस होता है। यूजुअली रनर्स जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं उस पर वो ज़्यादातर ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स पर ध्यान देते हैं और अक्सर वो अपने फुट और एंकल को इग्नोर करते हैं। फुट और एंकल को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को। पहली एक्सरसाइज है फुट टैपिंग एक्सरसाइज। बहुत सिंपल है, ऐसे करके आपने अपने फीट को टैप करना है 30 के काउंट तक। एक सेट पूरा होकर थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर इसे रिपीट कीजिए। कम से कम आपने 3 सेट करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है काव रेजिंग। बहुत सिंपल है, खड़े हो जाइए, अपने हील को उठाइए, इस तरह से काव रेजिंग करनी है, 30 रेप्स करने हैं इसके। इनिशियली आप सिर्फ एक सेट कीजिए 30 रैप का, जब आपको उसकी आदत हो जाए तो कम से कम 3 रैप आपने करने चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज में आपने पहले अपने दोनों पैर के बड़े वाले टो को ऊपर उठाना है, फिर बाकी की उंगलियों को और टो को नीचे करना है। टो को ऊपर उठाओ, उंगलियां नीचे, टो को नीचे करो, बाकी की उंगलियां ऊपर, इस तरह से आपने रिपीट करना है। और जब आप उंगलियों को उठा रहे हो एक सेकंड के लिए उसको उठे रहने दो, फिर चेंज करो, इस तरह से आपने 20 तक करना है एक सेट में। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई टो रेजिंग वाली, इनिशियली आप इसका सिर्फ एक ही सेट कीजिए जिसके अंदर 20 रैप्स होंगे, बाद में आप इसको बढ़ाकर 2 या 3 सेट में भी कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे एक इलास्टिक बैंड चाहिए। ये इलास्टिक बैंड आपको यू नो किसी बटन शॉप में भी मिल सकता है, अदरवाइज आप इंटरनेट से यू नो स्ट्रेचिंग वाला जो एक्सरसाइज का इलास्टिक बैंड है वो भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये मामूली वाला बैंड लिया हुआ है, इसको मैं डबल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाए। इसको पैरों में ऐसे पहन लीजिए। ये वाले पैर को आपने स्टेबल रखना है और ये वाले पैर को आपने खींचना है ऐसे। आपको 30 रैप्स करने, एक सेट में 30 रैप्स हैं और आपने इसमें 3 सेट करने, बाद में इस वाले पैर के लिए भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक छोटी सी बॉल चाहिए, अगर बॉल नहीं है तो आप कोई पत्थर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। पत्थर को ऐसे जमीन पर रख लीजिए और इसके ऊपर अपना पैर रखकर इस पत्थर को आपको अपने पैर की उंगलियों से उठाना है, 5 तक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ देना है, रिपीट करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10 रैप्स में करनी है, 10 टाइम्स करना है, एक सेट में 10 रैप्स हैं और 3 सेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने पैर के जो ये टोज हैं पहले इनको सिकोड़ना है ऐसे करके, उसके बाद फैला देना है, सिकोड़ना है, फैला देना है, इस तरह से इनके 30 रैप्स आपने करने, एक सेट में 30 रैप्स और टोटल 3 सेट करने। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने पैर की जो आर्च है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने ये दो हिस्सों को आपस में सिकोड़ने की कोशिश करनी है, पास लाना है उनको, इससे आपका पैर का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होगा। थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर रिलीज कर देना है और फिर दोबारा से सेम चीज रिपीट करनी है। कोशिश करनी है कि फिंगर्स को ना सिकोड़ो, ये पोर्शन को आपस में पास ला के सिकोड़ो ऐसे। दोनों पैर के लिए इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके लिए भी आपको ये बैंड चाहिए। डबल करके इसको थोड़ा सा स्ट्रांग कर लीजिए, पैर में ऐसे बैंड लगाइए और ऐसे करके बैंड को अपनी तरफ खींचिए,
30 सेकंड्स तक इसको ऐसे होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड के बाद रिलीज करना है, दूसरे पैर के लिए रिपीट करना है और इसके 3 सेट करने हैं। तो ये थी आपकी फुट और एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, आपका जो फीट है और जो आपकी एंकल्स है वो स्ट्रांग होंगे और लॉन्ग रन्स में आपको पैर में दर्द की दिक्कत नहीं होगी।